एमडीकेट के दिन घर से निकलने से लेकर एग्जाम सेंटर से वापसी तक मैंने क्या क्या किया, कैसे पेपर सॉल्व किया और कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे थे उनको कैसे सॉल्व किया और उनमें फुल मार्क्स लिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा अपनी एमडीकेट डे की स्टोरी के थ्रू। तो बात है ये एमडीकेट डे की। सुबह उठा, सबसे पहले नमाज पढ़ी, अपने लिए और बाकी सबके लिए भी दुआ की, और कुछ चीज़ें रिवाइज की। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में कि मैंने केमिस्ट्री और इंग्लिश की रिवीजन कंप्लीट नहीं की थी, और अब मेरे पास क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए थे तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को पकड़ूँ और उसको रिवाइज करने लग जाऊँ और इसी स्ट्रेस में आकर और हड़बड़ाहट में आकर चीज़ों को मिक्स कर दूँ। सो मैंने लाइट सी चीज़ वोकेबलरी पकड़ी और घर से निकल गया। और हाँ, ब्रेकफास्ट लाजमी कर लेना और अपनी नींद पूरी करके जाना। अब मैं रास्ते में वोकैबुलरी पढ़ता हुआ जा रहा था और एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंच गया। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी एग्जाम के लिए घर से लेट ना निकलें, क्योंकि जब आप लेट होते हैं तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में टेंशन होती है, आपके दिमाग में स्ट्रेस होती है और आपका दिमाग पैनिक कर जाता है। और जब माइंड की पैनिक स्टेट आ जाती है ना, तब इंसान का दिमाग जो है वो इफेक्टिवली सोचना बंद कर देता है। और ये वही स्टेट होती है जब बच्चे आकर बताते हैं कि हमने पढ़ा था लेकिन हमें भूल गया। भूला नहीं है आपको, आपका माइंड पैनिक कर गया है जिसकी वजह से आपका ब्रेन इफेक्टिवली काम करना छोड़ चुका है। देन मैंने एग्जाम सेंटर पहुंचकर सबसे पहले अपनी सीट तलाश की और वहां पर सुकून से बैठ गया। अब एमडीकेट स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त था, तो मुझे पता नहीं क्यों हल्की हल्की सी नींद आना स्टार्ट हो गई थी। ऑब्वियसली थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन जब पेपर स्टार्ट हुआ तो उससे पहले मेरी नींद बिल्कुल चली गई थी और मेरा माइंड फ्रेश हो चुका था। वैसे पर्सनली आज तक मैं कभी एग्जाम सेंटर में वाटर बॉटल या फिर चॉकलेट्स लेकर नहीं गया और ना ही मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो मेरा यही मशवरा रहेगा कि आप एक वाटर बॉटल और चॉकलेट्स अपने साथ ज़रूर रखें। अब पेपर स्टार्ट होने से कुछ देर पहले हमें पेपर दे दिया गया और ये कहा गया कि आप अपना पेपर उल्टा करके रख दें, बट क्योंकि मुझे टाइम बचाना था और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना था तो मैंने पेपर सीधा रहने दिया और साथ ही साथ मैं उसको देख कर पढ़ता रहा और अपने दिमाग में ही जो है वो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो सोचता रहा, ताकि जब बाद में पेपर स्टार्ट हो तो मैं जल्दी से बबल फिल कर लूँगा। ये चीज़ बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ऑब्वियसली हर एग्जाम सेंटर में तो ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ मेरा टाइम बच सकता है वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करें। अब एमडीकेट का पेपर स्टार्ट हुआ और जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनी फॉलो करनी थी वो ये है कि मैं अपना पेपर 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड होगा उन क्वेश्चंस के लिए जो कि मुझे 100% आते हैं और जिनको मैं ऑप्शंस देखे बिना आंसर कर सकता हूँ, बिल्कुल बुक की लाइंस होती हैं। सो मैंने फर्स्ट राउंड से स्टार्ट किया और इस सीक्वेंस में मैं अपना पेपर करता गया। फर्स्टली मैंने किया बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन इंग्लिश। अभी फर्स्ट राउंड ऐसे क्वेश्चंस के लिए होता है जो कि हमारे पेपर का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहे होते हैं। सो इस राउंड में अगर हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़्यादा टाइम और कम क्वेश्चंस बच जाएंगे। ये फर्स्ट राउंड सबके मुताबिक डिफरेंट होता है, कौन कितना टाइम लगाता है, और फर्स्ट राउंड में हमने वो क्वेश्चन स्किप करते जाना है जो कि हमें थोड़े से भी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर उसको जो है वो या फिर उसको सॉल्व करना पड़ रहा है, या फिर हमें बिल्कुल नहीं आ रहे। सो आफ्टर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है जो कि थोड़े लेंथी होते हैं, जो कि थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है, या फिर जिनमें हमें ऑप्शंस को बार बार रीड करके उसको रिलेट करना होता है स्टेटमेंट के साथ। और जिस क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट लगे उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, उसके ऑप्शंस को बार बार पढ़ें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा एग्जामिनर ने ए ऑप्शन जो है वो बहुत आई कैचिंग ऑप्शन रखी होती है तो हमें लगता है कि यही ऑप्शन करेक्ट होगी, हालांकि उससे बेटर ऑप्शन भी वहां पर मौजूद होती है। सो हमने बेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है, राइट ऑप्शन नहीं, बेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। सो सेकेंड राउंड में हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें आते तो थे, बट उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगाने की जरूरत थी और सोचने की जरूरत थी। सो हमने अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा एमडीकेट का मैक्सिमम पोर्शन यानी कि 75-80% पोर्शन हम कर चुके हैं। और व्हाट इफ अगर मैं आपको बताऊं कि सभी लोग इतना पोर्शन तो कर ही लेते हैं। कि हमने अभी जो 2 राउंड्स में सॉल्व किया है पेपर, उसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो उसका फ़ायदा ये है कि हम कम टाइम में अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और एक इंसान की ये साइकी है कि जब वो देखता है कि मेरा मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है तो उसका माइंड जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स माइंड हमेशा बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अगर यही मैं आपको कहता कि आप स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएं और अगर वो आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो इंसान का माइंड जो है वो स्ट्रेस लेगा, और स्ट्रेस जो है वो पैनिक क्रिएट करेगा, और पैनिक में फिर इंसान का माइंड इफेक्टिवली काम करना छोड़ देता है, तो ईजिएस्ट क्वेश्चन भी फिर इंसान से सोल्व नहीं हो पा रहे होते। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हम अपना मैक्सिमम पेपर कवर कर चुके हैं और अब हमारे पास वही क्वेश्चंस रह गए हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में हमसे सॉल्व नहीं हो सके, क्योंकि बाकी का 70% तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, यही 30% जो है वो आपका एडमिशन डिसाइड करेगा।
क्योंकि आप मिनिमम टाइम में अपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो राउंड वन और राउंड टू में सोल्व कर चुके हैं। तो अब आपके पास इस राउंड थ्री के लिए, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए राउंड होता है, उसमें आपके पास मैक्सिमम टाइम बच जाएगा। तो उस मैक्सिमम टाइम में जो है वो आपका दिमाग भी इफेक्टिवली काम कर रहा होगा और आपको जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अब ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लोग जो कहते हैं ना कि हमारा अपने नर्व्स पर कंट्रोल नहीं रहता, हमें स्ट्रेस होती है और हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, तो वो इन्हीं स्ट्रेटजीज में लैग कर रहे होते हैं। सो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बल्कि आपके पास टाइम भी बच जाएगा, आप 10 टू 15 मिनट्स पहले अपना पेपर कर चुके होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि उन 30-40% क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाए। उसका मोस्ट इफेक्टिव वे यही होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपने दिमाग में सोचें कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से हो सकता है और उस टॉपिक के बारे में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट क्या चीजें पढ़ी थी और इन ऑप्शंस में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उस टॉपिक के। फिजिक्स के क्वेश्चंस में भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी कि बच्चे कहते हैं कि हमसे जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाता, तो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ें, बार बार स्टेटमेंट पढ़ें, उस स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाह रहा है, उस स्टेटमेंट में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, उन सबको इकट्ठा करें और सोचें कि इस टॉपिक में कौन सा मैंने फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले के क्या क्या डेरिवेटिव्स मैंने पढ़े थे और उन डेरिवेटिव्स में पुट करके आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, ये जो फिजिक्स का पेपर है ये कोई इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही है और 45 सेकंड्स के लिए ही बना हुआ है ये क्वेश्चन। और अगर आपको एक क्वेश्चन का बिल्कुल भी क्ल्यू नहीं मिल रहा, तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, जो ऑप्शन आपको लगती है कि ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है स्टेटमेंट से, आप उसको जो है वो एलिमिनेट करते रहें और एंड पर आपके पास एक या दो ऑप्शन ऐसी बच जाएगी जो आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट है स्टेटमेंट से, फिर आपने उन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी होती है। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुदाया बबल्स ध्यान से फिल करना। जब भी आप किसी क्वेश्चन का बबल फिल करें तो अपने दिमाग में रिपीट करते रहें, 15 का बी है, 16 का सी है, इस तरह चीजें अपने दिमाग में जो है रिपीट करते रहें बार बार ऑप्शंस, तो ये जो है आपके गलत होने के चांसेस को बहुत कम कर देगा। तो आई थिंक मैंने अपना एमडी कैट पेपर सोल्व करने में जो जो चीज़ों का ख्याल रखा और जो जो गलतियाँ की वो सब आपको बता दी हैं। तो मेरी टिप आपको यही होगी कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि मैंने भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके, बल्कि मैंने तो उन गलतियों के साथ भी 192 प्लस मार्क्स ले लिए थे। तो अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और गलतियों को अवॉइड करेंगे तो हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा स्कोर करें। तो मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूं और ये मेरा आज आपको लास्ट मैसेज था एमडी कैट से पहले। और अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई परेशानी हो, कोई एंग्जाइटी हो, कोई स्ट्रेस इश्यू हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो लोग अपनी प्रॉब्लम कमेंट में नहीं बता सकते, मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो याद रखें, कोई भी परेशानी हो तो आपका भाई मौजूद है और आपका भाई आपसे सिर्फ एक कमेंट और एक मैसेज की दूरी पर है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुमामीन। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।